कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भाभी आप कैसे हो? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक। एंड बेबी ऑल्सो इज फाइन। रिया, रिया, आई नो तुम्हारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट। जैसे तुम्हें मेरी चिंता है ना, वैसे ही मुझे तुम्हारी चिंता है। और भाभी से पहले मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, है ना? तो मैं अपने दोस्त के साथ बुरा होते हुए कैसे देख सकती हूँ? रिया, सॉरी, तुम कुछ ही दिनों में अयान से। एग्जैक्टली भाभी, मैंने अयान के बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल भी वैसे नहीं निकले। कभी कभी सोच के तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो आपने वीडियो में दिखाया वो सच था या जैसा अयान ने मुझे दिखाया वो। बेटा रिया, सच और झूठ में यही फर्क होता है। झूठ हमेशा सुंदर सजीला दिखता है, एक ही बार में मन को भा जाता है, और सच हमेशा कड़वा और खुरदरा। तेरी भाभी ने इस सच को तेरे लिए ढूंढ के निकाला। तू जानती है ना, इस घर में सभी तुझ पर जान छिड़कते। सोनाक्षी ने आज सिर्फ तुझे नहीं बल्कि हम सभी को बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया। बेटा, जो हुआ ना उसे भूल जा। बेटा, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अब इस बारे में हम में से कोई बात नहीं करेगा। रिया, तुम कितनी स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, स्ट्रांग हो। ऐसे इंसान के पीछे अपने आंसू वेस्ट मत करो। देव, आप ही देव। हाँ, देव को चल। पकड़ लिया। अब आप अपना सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन फूंक मार के दूर भगाइए। देव, आई एम सॉरी। मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ, एक अच्छी बहू नहीं हूँ, और एक अच्छी होने वाली मम्मी भी नहीं। देव, मैं इतनी केयरलेस नहीं होंगी। मैं डर गई थी, लेकिन अभी बेबी का ध्यान मैं ठीक से रखूँगी। कोई बॉम्बकेश बख्शी नहीं बनूंगी, कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कुछ नहीं लूँगी। आप रिया के लिए वरीड हो ना? मैं जानती हूँ, स्टूपिड से लड़के ने मैंने रिया का दिल तोड़ा है, लेकिन मैं उसका ध्यान रखूंगी। और हमारी रिया बहुत ही स्ट्रांग है, और हम सब तो है ही उसके लिए। देखो, तुम्हारे पापा का मुंह बहुत खराब है, देखो कैसे शक्ल बना के रखे। आपकी मामा का अपॉलजी भी एक्सेप्ट नहीं कर। डांटो ना इन्हें। अब जैसे सोनाक्षी भाभी ने मेरा सीक्रेट घर वालों के सामने बता दिया, मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं भी उनका सीक्रेट थोड़ा बहुत तो बताऊं। पापा को नहीं डांटोगे? माँ की बात नहीं मानोगे? ठीक है, ठीक है, मैं कहती हूँ। पापा, पापा, आप अपना मूड ना बदल दीजिए, और मामा आगे से कोई मिस्टेक नहीं करेगी। आप दोनों हंसते हो ना तो बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज प्लीज स्माइल। मैं सोनाक्षी को सच कैसे बताऊं? और सच नहीं बताऊंगा तो वो अयान। सोनाक्षी, आई एम सॉरी। क्यों तुम ऐसी? क्यों हो तुम इतनी खुली? इतनी क्यूट क्यों तो? तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो ना? ये कैसा सवाल है? नहीं, बस बताओ मुझे, तुम मुझ पे विश्वास करती हो ना? भरोसा करती हो मुझ पे? अगर कुछ हो जाएगा तो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाओगी ना? आपको क्या हो गया? आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो ना। बताओ, तुम मुझ पे विश्वास करती हो कि नहीं? देव, खुद से ज़्यादा मैं आप पे भरोसा करती हूँ, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तुम मेरे लिए काम करोगी? एनीथिंग फॉर यू। बोलो। बोलो ना। तो अभी माँ के पास जाओ और माँ से कहो कि तुम्हें अयान और रिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माँ को भी इस रिश्ते के लिए मना लो। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आप अयान और रिया की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आप सीरियस नहीं है ना? यू कांट बी सीरियस। सोनाक्षी, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं बस अभी ये चाहता हूँ कि तुम जाके माँ से बात करो और उन्हें समझाओ कि तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहोगी तो माँ भी मान जाएगी। नहीं देव, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं सच जानती हूँ। सच जानने के बाद भी मैं ऐसा क्यों करूँगी देव? भाड़ में जाए सच। प्लीज लिसन टू मी। मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करो। प्लीज मेरे से इतना सवाल मत पूछो। आई एम सॉरी सोनाक्षी, इस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। देव, क्या हुआ? कोई और प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कोई और प्रॉब्लम है तो हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। साथ मिलकर कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमें बस ये रिश्ता टूटने से बचाना। तुमने कहा अभी मुझ पर विश्वास करती हो, तो मुझ पर विश्वास करो और ये रिश्ता टूटने से बचाना। हो सकता है तुम्हें कोई धोखा हुआ हो, अयान के बारे में कोई गलतफहमी हुई हो। हमें अयान को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। देव, मुझे कोई धोखा नहीं हुआ, बल्कि अयान ने हम सबको धोखा दिया है, रिया को धोखा दिया। सोनाक्षी, रिया मेरी छोटी बहन है, उसकी फिक्र मुझे भी है। तो वो वीडियो मैंने भी देखा है। हो सकता है वो गलतफहमी हो और इस गलतफहमी के बेस पे अपनी बहन की लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकता, उसका दिल नहीं तोड़ सकता। जी जी, ये रिश्ता तो आपने खुद ही ढूंढा था ना। 4 खोजी भी भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि अयान कैसा लड़का है। सब तरफ से तारीफ ही सुनी ना, और एक बंदे के कहने पे आपने अपनी समझ बूझ, अपना फैसला कैसे भूल गई जीजी आप? भाभी, गलत बात 100 लोग साथ में भी कहे तब भी सही नहीं होती। एक अकेला ही कहे ना तब भी सच सच ही होता है। माँ बाप तो अपनी बेटी के लिए फैसला सोच समझकर उसके भले के लिए ही करते हैं ना। पर अगर मुझे इस रिश्ते में साफ साफ खोट नजर आ रही है तो सिर्फ अपने बात पर अड़े रहने के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला गलत कैसे कर सकती हूँ? सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, पर सोनाक्षी ने खुद अयान की सच्चाई देखी है। जीजी, उससे गलती नहीं हो सकती क्या? छोड़िए मामी, अगर आप भाभी पत्थर भी उठा लेना भाई से तो वो भी इनके लिए खरा सोना होगा। एक गुड न्यूज क्या सुना दी, ये तो उन्हीं की सगी हो गई है। हाय हाय, इसका मतलब जीजी की बहू अंजन हो गई और हम सब वो उसके पीछे लगे मालगाड़ी के खाली डिब्बे। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लो, आपकी बहू भी बोली। अरे वो कहाँ कुछ बोली भला? बेटा चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना। जीजी, नई नई बातों में आप ये मत भूल जाइए कि रिया की माँ तो आप ही है ना। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया ना तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ बुआ जी, रिया भी तो समझदार है ना, तो उसके मुंह से तो कभी नहीं सुना कि अयान जो है वो गलत बंदा है। जीजी, 100 बातों की एक बात, लड़कियों का रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं होती। अगर लड़की का रिश्ता टूट जाता है ना तो पूरी जिंदगी उसे अपने मायके में बैठना पड़ता है। अब अपनी नेहा को ही देख लीजिए। क्यों नेहा? गरीब की बेटी जानती है कि बात कड़वी है, पर बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। और वैसे भी जीजी, अब मेरी भी बहू आ चुकी है, बेटा जवान है, लोगों को तो बहाना चाहिए बस ताने मारने का, बातें बनाने का। मम्मी तू भी ना, दुनिया को जो बोलना बोलने दो ना, छोड़ो ये सब चीजें। क्या रखा हुआ इन सब चीजों में यार? अरे कैसे छोड़ दूं? राधा रानी ने दुनिया देखी है। कीचड़ वहीं उछलता है जब पानी में मिट्टी मिली होती है। इस घर पर कीचड़ उछलेगा तो छींटे तो हमारे दामन में भी आएंगे ना। मेरे लिए इन सब चीजों से कहीं ज्यादा बड़ी मेरी बच्ची की जिंदगी है। मैं अपने किसी भी बच्चे की खुशी के लिए कोई भी समझौता नहीं कर सकती। मेरा फैसला हो गया है और ये फैसला नहीं बदलेगा। और मैं इस घर में, इस परिवार में आपस में शांति चाहती हूँ। इसलिए जिन्हें मेरे फैसले से आपत्ति है तो वो सोनाक्षी, तुम यहाँ बैठ क्यों रही हो? मैंने तुम्हें कुछ कहा ना करने के लिए। जाके माँ से बात करो, उन्हें कन्विंस करो। और अगर तुमने माँ को कन्विंस कर लिया तो मैं खुद माँ को अयान के घर लेके जाऊँ। Just stop it, देव। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। आप इतनी देर से एक ही बात कहे जा रहे हैं, लेकिन अब तक ये नहीं बताया आप ये सब क्यों कर रहे हैं। सोनाक्षी, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझ पर भरोसा, विश्वास, ये सब वर्ड्स नहीं है देव, ये फीलिंग्स होती है। ये वो फीलिंग्स है जो अब मैं माँ के साथ शेयर करती हूँ। आप पे भरोसा है, ये प्रूव करने के लिए मैं माँ और रिया का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकती ना। देव, मैंने खुद अयान और खुशी को साथ देखा था, इसलिए मैंने माँ को कन्विंस किया कि अयान रिया के लिए सही लड़का नहीं है। देव, माँ ने मेरी बात पर विश्वास किया है। हम जानते हैं मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ये। मैं उनसे झूठ कैसे कह सकती हूँ, उन्हें गलत रास्ते पे कैसे धकेल सकती हूँ। देव, प्लीज आप मुझसे ये सब एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये सिर्फ माँ और मेरी रिलेशनशिप का सवाल नहीं है, उनकी बेटे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने जो किया इस घर की, रिया की भलाई के लिए किया। माँ और तुम्हारा रिश्ता जिस विश्वास पे बना है, मैं उस विश्वास को भी नहीं तोड़ना चाहता, मगर मैं मजबूर हूँ। मुझे बस कुछ वक्त चाहिए, मैं कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। सोनाक्षी, मैं रिया की शादी अयान के साथ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी मेरे लिए ये करना ज़रूरी है। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुमसे कुछ कहा ना? जाके माँ से बात करो, माँ को कन्विंस करो कि हमें इस शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। पर देव, बस जो कह रहा हूँ वो करो, उससे बहस मत करो। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यार मम्मी, तेरी जुबान जो है ना कैंची की तरह चलती है। तूने तो बस घर से निकलवाने का ना पूरा ख्याल डाल दिया था बुआ के मन में। अरे क्या जरूरत थी यार, वो तो अच्छा हुआ ना सीधा सीधा नहीं बोला कि निकल जा, वरना सोच टेंट लगा के बैठे होते हैं हम फुटपाथ पे। बस मतलब उनका मामला है, उनको करने देना सॉर्ट आउट। तू बीच में मतलब जब देखो कुछ ना कुछ करना है। यार तूने मिर्ची लगाई है ना, जाके तू ही मिर्ची चटा उन्हें। और अगर पापा को पता चल गया ना तो एक मिनट में हम सबको बाहर कर देंगे। वो तो तेरे पापा को तब पता चलेगा ना जब मैं चलने दूंगी। और गरीब की बेटी को रायता फैलाना आता है तो समेटना भी आता है। मैं बात कर लूंगी चीची से। बाबा, आप इस पोस्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं हो गए? बेटा, हर काम सीरियसली ही करना चाहिए, वरना काम करो ही मत। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ नाम के लिए सेक्रेटरी बन के बैठ जाते हैं। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ बेटा, ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग सालों तक याद रखें। मेरे नाती नातिन एग्जाम्पल दें कि वाह देखो हमारे नाना जी ने ये काम किया था। बाबा, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सोसाइटी में एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, मेंटेनेंस भी फ्री हो जाएगा और लोगों को अच्छा खाना भी मिलेगा। खाना तब मिलेगा ना बेटे जब तू कुछ छोड़ेगा। मतलब मैं इतना अच्छा यूनिक आइडिया दे रहा हूँ और आप मेरे साथ। और एक आइडिया, सीनियर सिटीजन के लिए एक क्लब बनवाना चाहिए जहाँ सारे सीनियर सिटीजन लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं। तेरा भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ और ये मैं कोई क्लब वलब नहीं बनवाने वाला हूँ। सबसे ज्यादा शोर सोसाइटी के अंदर ये सीनियर सिटीजन ही करते हैं। अगर बनवा दिया तो दंगा कर लेंगे। आशा, तुम कोई अच्छा आइडिया दो ना। विजय, तुम वाकई में ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे तुम्हारे नाती नातिन तुम्हें हमेशा याद रखें? हाँ, तो तुम्हें उन्हें एक क्लीन एनवायरनमेंट देना चाहिए जहाँ वो खेल कूद सके, हेल्दी रह सके। तुम्हें ना जल्द से जल्द एक स्वच्छ अभियान शुरू कर देना चाहिए। सोसाइटी ऑफिस को हर घर में 2 कचरे के डब्बे देने चाहिए, एक सूखे और एक गीले कचरे के लिए। और वो लोग जो कचरा उठाने आते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो बीमार ना पड़े, प्रोटेक्शन सूट्स और ग्लव्स देने चाहिए। सोसाइटी अगर साफ रहेगी तो सब हेल्दी रहेंगे। आने वाली जनरेशन के लिए इससे बढ़िया एग्जांपल और क्या हो सकता है बताओ। आशा, क्या आइडिया दिया तुमने। ये काम तो मैं जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। वाह माँ, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। अम्मा, मुझे ना तुमको भी थैंक्स बोलना है, इतनी सुपर इंटेलिजेंट बहू ढूंढने के लिए। आप चाय पियेंगी भाभी? नहीं जीजी, लाइए मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। बिल्कुल वैसी चाय बनाऊंगी जैसी जैसी आपको पसंद है। वैसे औरों के घर में ना भाभीयों से ननंद काम सीखती है, पर मैं तो बड़ी शान से कहती हूँ कि मैंने अपनी ननंद से सारा काम सीखा है। आज तो मैंने आपसे बहुत बड़ी बात सीखी है कि अपनों की खुशी सबसे बड़ी होती है। आपने बहुत अच्छा किया जीजी जो आज मुझे डांटा। बड़ों की डांट तो मीठी होती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सच्ची कह रही हूँ। आप चाहे तो मुझे चोटी पकड़ पकड़ कर मारिए, कोई बात नहीं भाभी, मैं चाय बना देती हूँ। जीजी, आप नाराज हैं मुझसे? नहीं, मैं नाराज नहीं। तभी तो मैं भी सोचूं भला जीजी के मुंह से इतनी बड़ी बात कैसे निकल गई। गुस्से में थी ना आप? हो जाता है। हाँ, गुस्से में तो कुछ भी निकल जाता है मुंह से। नहीं भाभी, मैं कोई भी बात बगैर सोचे समझे नहीं करती, और मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप भी हर बात सोच समझकर ही करें। हाँ जीजी, बिल्कुल। वैसे भी रिया की खुशी से बढ़के मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था देव। सोनाक्षी, क्यों जिद कर रही हो? मेरी बात तो सुनो। अब तुम जा कहाँ रही हो? बाहर, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे तुम्हें क्या समझना है सोनाक्षी? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ये पति ने कह दिया और पत्नी ने मान लिया, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं। सोनाक्षी रुको, मैं तुम्हें बस माँ से बात करने को कह रहा हूँ। तुम इतना सा काम नहीं कर सकती मेरे लिए। आप इतने ही श्योर है ना, तो खुद जाके माँ से बात कर लीजिए। मुझे क्यों कह रहे हैं आप? देव, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? मैंने आपको प्रूफ भी लाके दिखाया, वीडियो दिखाया था मैंने। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आपके आंखों पर तो भरोसा है ना। सोनाक्षी, आंखों को धोखा भी हो सकता है, इसीलिए कह रहा हूँ ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बलबूते पे हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। कैसा मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे आयान पे डाउट है। हर स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। तब आपने कहा था आप मेरा साथ देंगे, तो अब अचानक से क्या हुआ? आप इतने अनरीजनेबल नहीं हो सकते थे। ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें समझना नहीं है, ठीक है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि रिया और अयान की शादी हो जाए। अगर तुम माँ से बात नहीं कर सकती तो मैं खुद करता हूँ। देव प्लीज रुक जाइए, ऐसे मत कीजिए। देव रुक जाइए। देव, मैं कह रही हूँ ना। ये तो क्या बोल रहा है? तो अभी भी रिया और अयान की शादी की बात कर रहा है? देखिए ना माँ, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन समझ ही नहीं रहे। माँ, जब से बेबी की न्यूज मिली है तब से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है। आपने कहा कि लड़कों के साथ होता है, लेकिन ये तो अलग ही ट्रैक पे चले गए। तुम कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो? मुझे माँ से बात करनी। देव प्लीज। अरे सोनाक्षी, अरे आराम से। देव, तुम ठीक तो हो बेटा? ठीक हो तुम आओ यहाँ। तुम भी ऊपर से दौड़ कर आने की क्या जरूरत थी? बैठो यहाँ आराम से। दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? पक्का? थैंक यू माँ, मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की चिंता करने के लिए। आई होप ये कभी ना बदले। पानी चाहिए? नहीं ठीक, शुक्र है भगवान का। देव, ये क्या बदतमीजी है? भूल गया क्या बचपन में खेल खेल में इसे ही नेहा को जब धक्का दिया था तो कैसे मार पड़ी थी? भूल गया हो तो बता दे। आज भी मेरे हाथों में इतनी जान है कि मेरे बेटे को सिखा सकूं कि लड़कियों से कैसे पेश आते हैं। भाभी, आप ठीक तो है ना? माँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया हूँ। जानबूझ कर किया होता ना तो अभी तक बातें भी नहीं करने देती तुझे। ये क्या धुन सवार हो गई है तुझ पर? भूल गया क्या कि अभी अभी अस्पताल से क्यों लौटे हैं हम? तो मेरी बात सुने क्यों? तेरी बात सुन चुकी हूँ मैं, पर मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है तू ऐसे बोल क्यों रहा है? माँ, हमें रिया के बारे में भी सोचना चाहिए। वो अयान से प्यार करती है, और हो सकता है ये सब एक गलत फहमी हो। हम ही गलत समझ रहे हो सारी बात को। हमसे कोई गलती नहीं हुई है देव। आप वहाँ नहीं थे जब माँ और मैं खुशी और अयान को कन्फ्रंट कर रहे थे। दोनों के फेसेस ऐसे लग रहे थे कि दोनों के बीच कुछ है। तुम चुप रहो। तुमसे बात की मैंने? मैं माँ से बात कर रहा हूँ ना। तू बात नहीं कर रहा है, चिल्ला रहा है सोनाक्षी पे। क्या हो गया तुझे? क्या हो गया है तुझे? तुझे पता ये वक्त है जब तुझे सोनाक्षी के साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरत तेरी, और तू ऐसे कर रहा है उसके साथ। और वो भी किस लिए? उस धोखेबाज अयान के लिए। हाँ माँ, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। देव, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बात मत कर। जीजी, देव को लग रहा है कि ये रिश्ता ठीक है, अब इसे कैसे समझाएं हम? अपनी माँ की इज्जत तो करता है ना, या वो भी भूल गया? तो ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तुझे बस ये समझा रहा हूँ कि हो सकता है अयान वैसा लड़का नहीं है। हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ता तो मैं तोड़ चुकी हूँ देव, अब तेरे ऊपर है। या तो मान ले हमारी बात और समझ जा, और अगर नहीं माननी तो जा फिर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.